नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आत्मा को अगले जीवन में कैसा शरीर मिलेगा, यह पूरी तरह पिछले जन्मों के कर्मों के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए पिछले जन्मों के कर्मों का लेखा जोखा रखना बहुत ही जरूरी है। इस कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए देवताओं में चित्रगुप्त को नियुक्त किया गया है। चित्रगुप्त मनुष्यों एवं समस्त जीवों के पाप पुण्य का लेखा जोखा रखते हैं और यमराज के प्रमुख सहायक हैं। चित्रकूट के बनाए हुए हिसाब किताब के आधार पर ही मृत्यु के देवता यमराज आत्माओं को स्वर्ग नर्क या नहीं शरीर में भेजते हैं। दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपके किन कर्मों के कारण कौन सा जन्म मिलेगा और भगवान इसका निर्धारण कैसे करते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री नारायण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार व्यक्ति को स्वर्ग और नर्क उसके कर्मों के हिसाब से मिलता है। गरुड़ पुराण में यह बताया गया है कि कर्मों के आधार पर अगले जन्म में व्यक्ति किस रूप में जन्म लेगा, उसका निर्धारण कैसे किया जाता है। मनुष्य के कर्मों का लेखा जोखा का दायित्व चित्रगुप्त को मिला है। चित्रगुप्त यमराज के सचिव हैं, जो हमारे आपके हर कर्मों का हिसाब रखते हैं। जब किसी प्राणी की मृत्यु होती है, तब यमराज के दूत उस व्यक्ति की आत्मा को पकड़कर सबसे पहले चित्रगुप्त के सामने प्रस्तुत करते हैं। चित्रगुप्त जीवात्मा को उनके कर्मों का पूरा ब्यौरा देते हैं। इसके बाद एक दूसरे कक्ष में आत्मा को ले जाया जाता है। इस कमरे को यमराज की कचहरी कहा जाता है। यहाँ पर यमराज आत्मा के कर्मों को सुनकर उसके अनुसार अपना फैसला सुनाते हैं। यमराज का फैसला आने के बाद यमदूत आत्मा को विभिन्न द्वारों से स्वर्ग या नरक में ले जाते हैं। अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नर्क में समय बिताकर मनुष्य को अलग अलग योनियों में जन्म मिलता है। दोस्तों, इस पाप कर्म से कौन सी योनि में जन्म मिलेगा, यह जानने से पहले यह समझते हैं कि आखिर देवयानी या मनुष्य योनि में जन्म कब मिलता है। दोस्तों, प्रत्येक आत्मा की तीन गति होती हैं, ऊर्ध्व गति, स्थिर गति और अधोगति। यदि कोई व्यक्ति मरकर ऊर्ध्व गति को प्राप्त होता है, तो उसकी आत्मा देवलोक गमन करती है। स्थिर गति का अर्थ है कि वह फिर से मनुष्य के शरीर में जन्म लेगा। अधोगति का अर्थ है कि मनुष्य योनि से नीचे गिरकर किसी पशु योनि में जन्म मिलना। यदि उसकी गिरावट और भी अधिक है, तो उसे और भी नीचे की योनि, जैसे कीड़े मकोड़ों या समुद्र में रहने वाले जीव आदि के रूप में जीवन मिलेगा। दोस्तों, आइए आप जानते हैं कि भगवान अगले जन्म का फैसला इन कर्मों के आधार पर करते हैं। दोस्तों, छल करना पाप माना गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार अपने मित्रों या बंधु बांधव से छल करने वाला मनुष्य मरने के बाद होता है, नरक जाता है। साथ ही उसका अगला जन्म एक जिद्दी योनि में होता है, जो सड़े गले जानवरों का मांस खाकर जीवित रहते हैं। इससे भी बड़ा पाप है ब्रह्मा हत्या। सनातन धर्म में ब्राह्मण को भगवान के सबसे नजदीक बताया गया है। शास्त्रों में भी साफ साफ कहा गया है कि यदि कोई मनुष्य भूल से भी किसी ब्राह्मण की हत्या कर देता है, तो उसे ब्रह्मा हत्या का पाप लगता है। ऐसे कार्य में साथ देने वाले मनुष्यों को भी कुंभी पाम नाम के नरक की यातना सहनी पड़ती है। गरुड़ पुराण के धर्म कांड में विस्तार से बताया गया है कि जो पापी व्यक्ति ब्राह्मण या कर्म से पूजनीय लोगों की हत्या करते हैं, उन्हें और उनकी योनि में जन्म लेना पड़ता है। जबकि घर का सामान चोरी करने वाला या दूसरों का पैसा लूटने वाला चमार रोग से ग्रस्त होता है। इसके अलावा जो व्यक्ति किसी के वस्त्रों की चोरी करता है, उसे अगले जन्म में तो ताकी शरीर में जन्म मिलता है। सुगंधित पदार्थों की चोरी करने वाला व्यक्ति छछुंदर के रूप में जन्म लेता है। जो इंसान अपनी धर्म पत्नी को अकारण ही छोड़ देता है, वह अगले जन्म में कंधमाल नाम के महारोग से पीड़ित रहता है। गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि दूसरे की पत्नी से संबंध बनाने वाले व्यक्ति को घोर नरक में जगह मिलती है।
फिर वहाँ उसे पहले भेड़िया, फिर कुत्ता, फिर सांप, फिर कछुआ, फिर कछुआ और आखिर में बगुला की योनि प्राप्त होती है। इन सब जन्मों के पूरे होने के बाद ही उसे मनुष्य योनि मिलती है। दोस्तों, घर के बड़े बुजुर्गों को सताने वाला व्यक्ति मरने के बाद 100 से अधिक सालों के लिए कछुए की योनि में जन्म लेता है, देवताओं और पितरों को संतुष्ट किए बिना। मरने वाला व्यक्ति वर्षों तक कौवा की योनि में रहता है। इसलिए कहा जाता है कि श्राद्ध कराते समय कौवे को अवश्य भोजन कराएं ताकि आपके पुत्र संतुष्ट हो जाएं, लेकिन अगर यह ना किया जाए तो अगला जन्म कोभी के रूप में ही मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।